हम लोग आए हैं एक पहाड़ के पास में, आप देख पा रहे हैं बैक साइड में पूरा पहाड़ है। और साथ में है हमारा कलीग और ये लोग बहुत बिजी है। बबूल का पेड़ दिखाई दिया है क्योंकि ये लोग कभी देखा नहीं होगा, तो पता चल गया होगा नेट उट में सर्च करके कि बबूल का पेड़ का बहुत जो है दांत के लिए फायदा है। देखते हैं, तोड़ लिए। अच्छा, अब क्या कीजिएगा इसका? हम लोग टुकड़ा टुकड़ा करके दातुन बनाएंगे। तो मुंह धोते नहीं है इससे पहले? पहले धोते थे, ब्रश से धोते थे। अच्छा, अभी टाइम टाइम क्या हो रहा बता दीजिए थोड़ा। 1 बजने को है, खाना खाने का समय है और दांतों में मुख धोएंगे। चलिए धो लेने दीजिए। तो एक्चुअल में हम लोग आए थे इधर पहाड़ का दर्शन करने के लिए। हम लोग को दातून मिला है, अभी दातून करेंगे क्या करेंगे। और भूख लग नहीं रहा है हम लोग को किसी को, दातून करने के बाद लगेगा। और ये देखिए खूबसूरत सा बहुत सारा दातून हाथ में ले लिए, बना लिए हैं, ये बहुत बढ़िया किए हैं। चलिए पहाड़ की तरफ हम लोग थोड़ा सा जा चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ खाने को मिलता है पेड़ में, कुछ अगर फल उल रहता है कि नहीं। चलिए आगे मिलते हैं। तोड़ लिए हैं? वाह, बहुत सारा हो गया। हाथ में भी है, हाथ में भी है, बहुत सारा है। चलिए बढ़िया है। कुछ लोग लकड़ी लेकर के जा रहे हैं, देखिए जंगल से उसी रास्ते में ही हम लोग हैं। ये इधर से पानी बहता था और यहाँ पे जमा, बहुत ही खूबसूरत सा झरना बरसात के दिनों में आपको दिखने मिलेगा यहाँ पे। और इधर से जो है ओवरफ्लो होते हुए ये पाइप से निकलते हैं, यहाँ पे रास्ता किया हुआ है। ये इधर से पत्थर से जाम कर दिया है ये रास्ता है। और इधर से पानी जो है ये निकलता है इसी जगह से, पानी निकलता है। और बरसात में बहुत ही खूबसूरत सा झरना आपको दिखने के लिए यहाँ पे मिलता है। ये दातुन करना चालू हो गया है और बहुत ही खूबसूरत सा सीन आप देख पा रहे हैं। जंगल है, ऐसे प्राकृतिक जो खूबी है, प्रकृति ने बहुत ही सुंदर चीज बनाए हैं हम लोग रहने के लिए। आदमी ही इसे बर्बाद कर देते हैं और दूसरों को जो दूसरा जीव को भी अच्छा से जीने नहीं देते हैं, उसका भी खाना घर छीन लेते हैं। बहुत सुंदर शानदार सब जगह। और ये ऊपर जाने का रास्ता ब्रिटेन का, आप देख पा रहे हैं छोटा छोटा पहाड़ी फूल से भरा हुआ है। और अंधेरा भी है, डर भी है, सांप भी हो सकता है। पैदल प्रकृति के दर्शन करने में कुछ मजा
होता है, पर उसमें थोड़ा सा तकलीफ भी होना झेलना पड़ता है। तो वही है, हम लोग का करीब एक घंटा से ज़्यादा हो गया पैदल चलते चलते। और हमारे साथ क्या बोल रहे, रास्ते का ठिकाना नहीं है। हाँ, रास्ते का ठिकाना नहीं है। तो आप लोग हमारे साथ रहिए, बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो आगे हम लोग आपको जो छोटा छोटा पहाड़ है उसमें ले जाएंगे, और जो पहाड़ दिखाए हैं उसमें ऊपर तक हमारा चढ़ने का प्लान है। डेली हम लोग प्लान बना रहे हैं। हम आपको एक पहाड़ का थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं, ये पहाड़ जो दिख रहे हैं पीछे में, ये सारा चीज है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए, और हमारे साथी लोग से पूछते हैं कि आगे का कार्यक्रम क्या है, बताइए सौरभ जी। आगे का कार्यक्रम अभी बस जाना है, लंच करना है। तो हमारा जो ब्लॉग का कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का ब्लॉग काफी अच्छा रहा। प्रकृति के दर्शन हम लोग करने आए। आने वाला टाइम में भी हम लोग एडवेंचर से जुड़े हुए ब्लॉग आपको दिखाएंगे, साथ में बने रहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, वो बता दीजिए। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। सारा दातुन हमने लिया है, एक दिन सुबह इस बबुल के दातुन से, क्योंकि देखिए दातुन तो प्रकृति का उसमें करना बढ़िया है, समझे ना। लेकिन उसको प्रकृति की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, तो पेड़ का नुकसान कम से कम हो। थोड़ा सा आज हम लोग कर लिए हैं, आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो देखते हैं जितना कम से कम इसमें ये यूज करेंगे। धन्यवाद।